नवरात्र के दूसरे दिन भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवती ब्रह्मचारिणी एक तपस्विनी के स्वरूप में हैं। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी दो भुजाएं जिसमें उन्होंने अक्षमाला और कमंडल धारण किया हुआ है। देवऋषि नारद के उपदेश पर भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कठोर साधना की, तभी से भगवती जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में सुविख्यात हुई। भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को साधना में विशेष सफलता मिलती है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी स्वयं एक तपस्विनी है और वो साधना में आने वाले कठिनाइयों को जानते हैं, तो साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके सहज ही उनको साधना में सफलता प्रदान करने में भगवती ब्रह्मचारिणी विशेष प्रशस्त हैं। इसलिए ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए दध्यानाकर पद्मनाम अक्षमाला कमंडल देवी प्रसिद्धि मई ब्रह्मचारिणी उत्तमा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः, उनसे धूप दीप गंध नैवेद्य आदि उनको अर्पण करें और विशेष रूप से पंचमेवा और ऋतुफल का भोग जो है भगवती को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवती ब्रह्मचारिणी साधकों की समस्त कठिनाइयों को दूर कर उनको साधना में सफलता प्रदान करती हैं।